नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी। खबर में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, धनिया, मसूर और आलू की, साथ ही जानेंगे कि अप्रैल के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जीन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे बाजार के एक्सपर्ट कमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कोटा मंडी में 98 रुपए चढ़ा मक्का का भाव, पुणे मंडी में 2,250 रुपए पर हुए मक्का के सौदे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस साल कुल मक्का की उपज 346 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 8,83,000 टन से अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को कोटा मंडी में मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि जम्बूसर और पुणे मंडी के साथ ही अलीगंज मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 5 मई को कोटा मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि जम्बूसर, पुणे और अलीगंज मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 4 मई को मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए, 5 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1,900 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते दो दिनों के दौरान देसी लाल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 5 मई को देसी लाल मक्का 2,250 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 मई को मक्का का भाव था 1,852 रुपए, 5 मई को इसके सौदे 98 रुपए मजबूत होकर 1,950 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी की बात करें तो यहां 4 मई को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2,010 रुपए, 5 मई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,010 रुपए पर बना रहा। वही बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का के रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। मक्का के बाजार पर हम अभी जानकारी दे थे, रिपोर्ट भी दिखाई है हमने, फिलहाल क्या उम्मीद लग रही है बाजार से, रुख क्या रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मक्के के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत सप्ताह हमने देखा ज्यादातर मंडियों के अंदर मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मंडियों के अंदर आवक भी जो है सामान्य रूप से बनी हुई थी। घरेलू स्तर पर इस वर्ष मक्के के अंदर रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। यही अगर हम घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो इसकी मांग में लगभग 7 से 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मक्के के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि मक्के में जो तेजी है वो जारी रहेगी और भाव में भी सुधार हमने अभी देखा है, तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी, किस तरीके से अपने उपज को मंडियों में बेचे, एक साथ निकाल देना चाहिए, थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, किस समय आपको लगता है कि इसकी डिमांड और बढ़ सकती है और भाव में और तेजी आ सकती है? बिल्कुल किसान भाई बहन, मक्के के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और डिमांड में थोड़ा सा बूस्ट अप हमें होते हुए दिखाई देगा तो ये तेजी जो है लगभग जो है हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक हमें दिखाई देगी। यानी ये तेजी और आ सकती है जैसा कि साहिल गोयल जी का कहना है, तो अगर किसानों के पास ये सुविधा है कुछ समय के लिए वो अपनी उपज को मक्का को रोक सकते हैं और आने वाले 1-2 महीने में और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साहिल जी हमारे साथ बने रहें, फिलहाल अभी रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। हलवद मंडी में 250 रुपए लुढ़क कर 6,100 रुपए पर पहुंचा धनिया का भाव, राजकोट मंडी में 6,500 रुपए रहा भाव।
और इस साल 15 लाख टन के पार जा सकती है मसूर की उपज। काला पीपल मंडी में 5,455 रुपए पर बिकी मसूर। तो ये थी सुर्खियां, अब बात करते हैं धनिया की। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में धनिया के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। जहां राजकोट मंडी में धनिया का भाव तेजी के साथ दिखाई दिया, वहीं धोराजी मंडी में, हलवद मंडी में भाव गिरे, जबकि पूरे और कोटा मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। फिलहाल इन दिनों धनिया की आवक गुजरात की ज्यादातर मंडियों में बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को धनिये के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। जहां राजकोट मंडी में भाव चढ़े, वहीं धोराजी और हलवद मंडी में भाव नीचे आए, जबकि पुणे और कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल इन दिनों धनिये की आवक गुजरात की ज्यादातर मंडियों में बनी हुई है। एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 4 मई को धनिये का भाव रहा 5,855 रुपए। 5 मई को उसके भाव में 175 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,680 रुपए पर आ गया। इसी तरह हलवद मंडी में धनिये के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 मई को धनिये का भाव था 6,350 रुपए। 5 मई को उसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 6,100 रुपए पर हुए। जबकि राजकोट मंडी में धनिये के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 4 मई को धनिये का भाव रहा 6,300 रुपए। 5 मई को उसके सौदों में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,500 रुपए पर। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते दो दिनों के दौरान धनिये के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 5 मई को धनिया 9,750 रुपए पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में 4 मई को धनिये का भाव था 6,500 रुपए। 5 मई को उसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,500 रुपए पर हुए। बात धनिये की उपज की करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। तो भी आपने धनिया पर हमारी रिपोर्ट देखी, और आइए एक बार फिर से हम रुक करते हैं साहिल गोयल जी का, बाजार के जानकार, कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में क्या लगता है, धनिया का भाव कैसा रह सकता है, बाजार का रुख क्या रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह हमें मिला जुला रुख ही देखने को मिला था। ज्यादातर मंडियों के अंदर भाव स्थिरता के साथ या कुछ नरमी के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दिए। इसकी मुख्य वजह यही थी कि जिस तरीके से कई राज्यों के अंदर बरसात हुई है, उसके कारण जो है इसकी डिमांड में जो है थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिली है। यही अगर हम निर्यात देखते हैं तो निर्यात के अंदर भी जो है लगभग 10% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा अनुमान है कि चालू जो सीजन है वो इसके लिए फायदे का हो सकता है और यहाँ से निर्यात व घरेलू मांग दोनों की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, जैसा कि आपने बताया कि सुधार भी देखने को मिल सकता है, तो क्या स्थिति रहेगी उसको देखते हुए किसानों का क्या फैसला होना चाहिए, क्या योजना रहे? जी बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिये के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जैसे ही ये बारिशों का थोड़ा सा रुख रुकता है और आने वाले समय में थोड़ी सी भी गर्मी में तेजी हमें आने को दिखती है, तो हो सकता है कि धनिये के अंदर जो है हमें वापसी तेजी दिखती हुई दिखेगी और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह भाव हमें तेजी के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आने वाले समय में इसमें 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि 150 से 250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तेजी आ सकती है, तो हमारे किसान इस तेजी का लाभ ले सकते हैं। आप बने रहे साहिल गोयल जी, फिलहाल अब बढ़ते आगे और नजर डालते हैं प्याज के भाव पर, यानी देश के विभिन्न मंडियों में प्याज के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर प्याज का भाव रहा 925 रुपए। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 700 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और प्याज के भाव के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ,
कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के जिसे हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले नज़र ज्वार पर। अब बात कर लेते हैं ज्वार की। इन दिनों ज्वार के भाव में किस तरह की चाल है इस पर हम नज़र डालते हैं और बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह से रहे इस पर भी एक नज़र डालते हैं। अप्रैल महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठा पटक देखने को मिला। साथ ही आपको भी बता दें कि अप्रैल महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,415 रुपये प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दूसरे दौरान ज्वार के भाव में तेज़ी आई और भाव 40 रुपये चढ़कर 3,455 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 115 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 3,340 रुपये हो गया। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 303 रुपये गिरकर 3,037 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। मई महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में उतार चढ़ाव भी रहा। वहीं एक मार्कनेट के मुताबिक आपको बता दें कि मई महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफ़ेद ज्वार का भाव 4,270 रुपये, वहीं 2 मई को इसके सौदों में 195 रुपये की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 4,055 रुपये। 4 मई को यहां सफ़ेद ज्वार के भाव में तेज़ी देखने को मिली और भाव 70 रुपये मजबूत होकर 4,125 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं इसी तरह 5 मई को भी ज्वार के भाव में 125 रुपये का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,250 रुपये प्रति क्विंटल पर। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल में ज्वार के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। मार्च महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,383 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं अप्रैल महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 902 रुपये की भारी गिरावट आई और भाव 2,481 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव पर क्या रुख रहेगा, क्या स्थिति रहेगी मंडियों में, इसके बारे में आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल से। एक बार फिर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं साहिल जी, क्या लगता है ज्वार की स्थिति क्या रह सकती है बाजार में, क्या भाव और चढ़ेंगे या फिर नरमी का रुख रहेगा, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। गत हम 6 से 8 महीने से ही देख रहे हैं कि ज्वार के जो भाव हैं लगातार अप ट्रेंड के अंदर बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार इसकी जो डिमांड है उसमें हमें सुधार देखने को मिला है। लगभग 7 से 10% तक हमें इसकी मांग के अंदर सुधार देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर भी गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का लगातार इसको फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ज्वार के अंदर जो तेज़ी है जारी रहेगी। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ज्वार के अंदर भी तेजी जारी रहेगी, तो क्या इंतजार करना बेहतर रहेगा या फिर अभी जो तेजी बनी हुई है उसी में ही हमारे किसानों को अपनी उपज बेच देनी चाहिए? इंतजार करें तो कितना इंतजार करें? बिल्कुल किसान भाई बहन, ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं आने वाले समय में। अभी भी ऐसा लग रहा है कि 150 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो 150 से 250 रुपये क्विंटल ज्वार में भी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं जौ की और नज़र डालते हैं जौ के भाव पर। शुरुआत राजस्थान की विजयनगर मंडी से, जहां पर जौ का भाव रहा 1,890 रुपये। जयपुर मंडी में भाव रहा 1,916 रुपये और उत्तर प्रदेश की मेहरूनी मंडी में जौ के सौदे 2,000 रुपये पर हुए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं बाजरा की, जानते हैं बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव क्या स्थिति में रहे। अप्रैल महीने के दौरान बाजरे की प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठा पटक देखने को मिली। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,441 रुपये प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में तेजी आई और भाव 86 रुपये चढ़कर 2,527 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में
79 रुपये की भारी गिरावट आई और भाव 2338 रुपये हो गया। और वहीं चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत और साप्ताहिक भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 56 रुपये गिरकर 2282 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। मई महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में खासी आवक देखने को मिली और इस दौरान कानपुर मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक मई महीने के 1 तारीख को कानपुर मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2080 रुपये। 2 मई को इसके सौदों में 5 रुपये की गिरावट आई और भाव हो गया 2075 रुपये। 4 मई को यहां बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 15 रुपये लड़क कर 2060 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि 5 मई को यहां बाजरे के सौदों में 20 रुपये की तेजी आई और भाव 2080 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल के महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। मार्च महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2660 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं अप्रैल महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 228 रुपये की भारी गिरावट आई और भाव 2432 रुपये प्रति क्विंटल आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर आइए हम बात करते हैं साहिल गोयल जी से। एक बार फिर से साहिल गोयल जी से हम बाजरे पर भी बात करेंगे। साहिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मसूर और आलू का भाव। आप बने रहें मंडी खबर के साथ। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से। आज की चर्चा दिखा रहे हैं एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी नहीं पड़ेगी। पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं मसूर की। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। उम्मीद है कि इस साल मसूर की उपज बीते साल के मुकाबले 10% से ज़्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 15,99,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन रही थी। यानी इस साल मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3,30,000 टन अधिक होने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 5 मई को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर का भाव रहा 5,455 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 6,800 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में मसूर का भाव रहा 5,200 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,000 रुपये पर हुए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, मसूर के भाव को लेकर क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मसूर के आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं तो घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वर्ष लगभग जो है लगभग 10-15% तक के बीच में वृद्धि होने का अनुमान है। यहीं अगर हम इसके निर्यात को भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष निर्यात भी जो है हमें बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। घरेलू स्तर पर मांग जो है लगभग 3-5% तक के बीच बढ़ने की उम्मीद है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही मांग जो है लगभग 7-10% तक हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसलिए मसूर के अंदर मैं किसान भाइयों को तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि किसान भाइयों को तेजी में ही बने रहने की आपकी तरफ से सलाह है, तो इसके अलावा जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए किसानों को किस तरीके से अपनी उपज को बेचना चाहिए, क्या इसको लेकर भी किसी तरह की योजना बनाने की आवश्यकता है उन्हें?
बिल्कुल किसान भाई बहन, मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, ये तेजी मुझे 150 से 250 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो मसूर में भी 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी हो सकती है। आइए बात करते हैं भिंडी की, देखते हैं भिंडी की क्या स्थिति रही देश की विभिन्न मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी से शुरुआत करते हैं, जहां पर भिंडी का भाव रहा 2,150 रुपये। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,750 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं बैंगन की। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,750 रुपये। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 400 रुपये और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। बैंगन के बाद आखिर में बात करते हैं आलू की। बागवानी फसलों की उपज के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और ये सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में 2,80,00,000 हेक्टेयर पर बागवानी फसलें बोई गई हैं और इससे 34,23,00,000 टन से भी अधिक पैदावार हो सकती है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो साल 2020-21 में कुल 2,74,00,000 हेक्टेयर में इस क्षेत्रफल पर बागवानी फसलें बोई गई थी और उपज रही थी 33,40,00,000 टन। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसका असर बागवानी फसलों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात आलू की उपज की करें तो इस साल आलू की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2020-21 में आलू की उपज 5,61,00,000 टन रही थी, जो इस साल 5,33,00,000 टन रहने की उम्मीद है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हासिल भाव की भी कर लेते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात के सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,350 रुपये, राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपये, उदयपुर मंडी में आलू 800 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 915 रुपये पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आलू पर बात करने के लिए एक बार फिर हम रुख करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में आलू का बाजार किस ओर जा सकता है, क्या अनुमान है, क्या संकेत मिल रहे हैं बाजार से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष हमें जो इसके पैदावार में कमी का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, गत 2 महीने से भी जिस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, उसके कारण जो है इसकी फसलों को लगभग 15-20% तक का डैमेज और हमें देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर मांग अगर हम देखते हैं तो वो ज्यों की त्यों ही बनी हुई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग में लगभग जो है 10% तक का इजाफा हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में आलू में थोड़ी सी तेजी आ सकती है और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी आ सकती है, किसानों के लिए फायदा है, किसानों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आलू को आप अगर उसको भंडारण भी करना है या रोकना भी, उसको लेकर के भी एक खर्च रहता है, तो किस तरीके से योजना बनानी चाहिए किसानों को? बिल्कुल किसान भाई बहन, आलू के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है कि इन्हें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और सीजनल डिमांड थोड़ी सी बूस्टअप हो गई, ये तेजी जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल तक हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो और ज़्यादा तेज़ी हो सकती है जैसे जैसे सीज़न आएगा, और जो त्योहारी सीज़न आता है उसमें भी हम देखते हैं कि आलू की अच्छी खासी मांग हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल गोयल जी हमसे बात करने के लिए, और तमाम अलग अलग जिनसों पर बागवानी फसलों पर अपनी राय देने के लिए और किसानों को सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको भी बता देते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देखें। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।